हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा सिंह फ्रॉम किड्स विला। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्राफ्ट एंड आर्ट्स। होप यू विल डेफिनेटली इंजॉय इट। कम लेट्स सी। जैसा कि आजकल हम सब घर में बैठे हुए हैं और हमारे स्कूल की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारे बच्चे हैं, और वो भी आजकल अपने अपने घरों में हैं। वो बच्चे घर में बैठ के बोर ना हो, उनके डेली रूटीन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट की छोटी सी क्लास लेके आपके सामने आई हूँ। इस छोटी सी वीडियो है बच्चों के लिए, ताकि उनके डेली रूटीन को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। आपके पास कलर चार्ट पेपर हो तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो तो आप इस तरह के प्लेन शीट भी लेके कलर करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दो तीन कलर के चार्ट पेपर्स अवेलेबल थे, तो मैंने कलर चार्ट पेपर यूज़ किया है। अगर ना हो तो आप न्यूज़पेपर को भी कलर करके यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है येलो कलर का चार्ट पेपर लेके उसे किसी भी कैप की हेल्प से एक सर्कल बना लें। बहुत छोटा सर्कल ना हो, थोड़ा बड़ा सर्कल हो, उसको बना के उसको सीज़र की हेल्प से राउंड सर्कल कटिंग कर लें। कटिंग बिल्कुल सर्कल में होनी चाहिए, तभी हमारा फ्लावर स्टिक जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल बनेगा। और आप इसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों की थोड़ी सी हेल्प करके इन्हें इंटरेस्टिंग बनाएं, उनके डेली रूटीन को, और इस तरह के स्टिक बना के घर को डेकोरेट करें। बच्चे भी इसे काफ़ी इंजॉय करेंगे। मैंने ये सर्कल बनाने के बाद इसे डबल फोल्ड करके सेंटर से बीचों बीच टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इनको यूँ पकड़ेंगे और यूँ ऐसे पकड़ते हुए इसको ज्वाइन कर देंगे, जैसे कोन्स बनते हैं उस शेप में इनको ज्वाइंट करके इनको यहाँ पे इनका जो किनारा है उनको पेस्ट कर देना है। ग्लू की हेल्प से इनको पेस्ट कर देंगे। ये फ्लावर रेडी हो गया है। इस तरह से मैंने ढेर सारे कोन्स रेडी करके पहले ही रख लिए हैं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूं। और ग्रीन मार्बल पेपर अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो आप पेपर को ग्रीन कलर से कलर कर लें। मैंने ये लीव्स के लिए ग्रीन मार्बल पेपर को डबल फोल्ड करके पेस्ट कर लिया है पहले से, और ये दोनों ड्राई हो चुके हैं। और इस तरह का वाइट चार्ट पेपर या मार्बल पेपर मुझे लेना है, और उसके बाद हमें इसको एक रिफिल या स्टिक, पतली स्टिक की हेल्प से इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। इसको काफ़ी पतला हम फोल्ड करेंगे, और इसको हम पतला फोल्ड करते हुए लास्ट का जो ये एंड आएगा इसको हमें लास्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक स्टिक मैंने ऐसे ही रेडी करके रख लिया है, ये आपको दिख रहा होगा, और लास्ट का जो एंड है मैंने उसे यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। ये स्टिक हमारी बन के रेडी है। अब इस स्टिक पे स्टार्टिंग कैसे करेंगे? इसका स्टार्टिंग का जो छोर है इसको हम यहाँ कट कर लेंगे। प्लेन कट करने के बाद एक कोन लेंगे और उसको भी यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, और यहाँ पे हम अच्छे से ग्लू को लगा देंगे। ग्लू लगाने के बाद हम इनको एक बार इस तरह से अंदर की तरफ करके ऐसे, फिर इसको ऐसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पेस्ट ऐसे कर लिया। उसके बाद हम लाइन से जितने भी कोन बना के रखे हुए हैं हमने, उनको लाइन से इसका जो किनारा हमने ज्वाइन किया है वहाँ पे ग्लू लगा के वन बाय वन इसको हम पेस्ट करते जाएंगे ऐसे। मैं आपको एक तैयार दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ये पेस्ट किया और वन बाय वन सारे पेस्ट किए हैं। ये रहा इस फ्लावर का लीव्स।
तो मैं आपको दिखाती हूँ लीव्स मैंने कैसे कट किए हैं। ये रहा डबल फोल्ड पेपर, इसको मैंने सेंटर से ऐसे फोल्ड कर दिया लंबाई में। लंबाई में फ़ोल्ड करने के बाद नीचे से मैंने लीव्स के शेप में हल्का सा कर्व देते हुए इसको लीव्स के शेप में ऐसे कट कर लिया। कट करने के बाद ये लीव्स मेरे रेडी हो गए। इसको भी हम वैसे ही सेम कट करके और इसको लास्ट में जैसे मैंने इसको पेस्ट किया है आप देख रहे होंगे, वैसे ही हमें लास्ट में ये जो येलो कलर का बना के रखा हुआ उसमें भी लास्ट में ऐसे ही करके इसको भी हमें ग्लू की हेल्प से ऐसे पेस्ट करने देना है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल्स बनते हैं और बहुत ही इजी मेथड से है। मैंने आपको पर्पल येलो बनाया है, आप इसे कलर रेड, देखिए मेरे पास रेड भी है, पर्पल भी है, ब्राउन शेड भी है। आप किसी को भी कलर के चार्ट पेपर को यूज़ करके नई नई स्टिक्स ऐसे रेडी कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ अपने छोटे बच्चों से, आप घर पे रहिए, घर में खेलिए, अपने गार्जियंस के साथ रहिए, इंजॉय करिए और छोटे छोटे क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहिए। बाय बाय।